अपने ट्रांसपोर्टेशन को आधुनिक करने के लिए ई व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है और इस क्षेत्र के कारोबार का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि देश भर में काफी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आज देश भर में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं, 2021 की तुलना में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इनमें 300% बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2030 तक देश भर में 2 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन हो सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक 4.5 लाख दो पहिया वाहन है और आने वाले समय में इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे 10 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। बता दें कि वर्तमान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.8 लाख करोड़ रुपए की है और इस इंडस्ट्री ने 4 करोड़ रोजगार दिए हैं। गौर करने वाली बात ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा GST ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही मिलता है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि इस 7.8 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को अगले 5 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनाना है।